तो फाइनली आज हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट स्मार्ट वॉचेस की जो कि अंडर 2000। हे एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज अर्शद, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार, काफी लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे अंडर 2000 बेस्ट 5 स्मार्ट वॉचेस के बारे में बताओ कौन सी ली जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए, जैसे कि अंडर 3000 और अंडर 5000 की बनाई है। तो आज कुछ वॉचेज हैं ऐसी जो कि अभी रिसेंट में ही लॉन्च हुई है, और एक आध ऐसी है जो थोड़ी पुरानी है बट अभी भी वो आपकी जो नई वॉचेज आ रही है उसको टक्कर दे रही है। तो फटाफट पांचवें नंबर से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 31 दिसंबर से पहले मुझे 10K सब्सक्राइबर्स करवा दो। आप लोग करवा सकते हो, जितने ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे उतनी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे मेरे। तो यार, पांचवें नंबर पे जो वॉच आती है वो है आपकी नॉइस कलर फिट क्यूब। जी हाँ, इस पर अब SPO2 भी डाल दिया गया है जो कि काफी सही चीज है इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। पहले इसमें SPO2 नहीं था। इस वॉच में आपको 1.4 इंच की अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ इसके अंदर आपको हार्ट रेट भी देखने को मिल जाता है। स्पोर्ट्स मोड की बात करूँ तो 8 स्पोर्ट्स मोड के साथ आती है वॉच। वही बात करूँ मैं वाटर स्टैंड की तो IP68 के साथ आती है। तो यार, काफी सही है प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। अक्सर ये वॉच आपको 1999 में या फिर उससे भी कम में देखने को मिल जाती है। अभी शायद आप चेकआउट करोगे तो ये 2400-2500 रुपए दिखाएगा, बट अभी मत लेना, थोड़ा ऑफर का वेट कर लेना, आपको इजिली अंडर 2000 ये वॉच मिल जाएगी। तो यार, अभी जो 4th नंबर पे वॉच है वो हाल ही में लॉन्च हुई है जो कि निंजा का सेकंड वर्जन है, फायरबोल्ट निंजा प्रो। जी हाँ, अच्छी वॉच है, ये यूज कर रहा हूँ मैं इसको मैंने डेडिकेटेड रिव्यू भी बनाई है, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वॉच में आपको 1.3 इंच की अच्छी खासी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, आउटडोर इंडोर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वही बात करूँ स्पोर्ट्स मोड की तो 7 स्पोर्ट्स मोड के साथ आती है वॉच। वाटर रेजिस्टेंट में IP67 देखने को मिल जाता है इसमें। बाकी बात करूँ इसके कुछ हेल्थ ट्रैकर्स की तो इसमें आपको SPO2 और हार्ट रेट भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ बेसिक फीचर्स की बात करूँ तो कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल और वेदर का सपोर्ट इस वॉच में मिल जाता है। तो काफी सही वॉच है ये अपने प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग, इसीलिए ये 4th नंबर पे आप इसको चेकआउट कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पे ये वॉच इजीली अवेलेबल है 1999 में, बाद में ये आपको 1899 या 1799 में भी देखने को मिल सकती है। अभी बात करते हैं यार 3rd नंबर की वॉच के बारे में जो कि आपकी बोट वॉच स्टॉर्म। जी हाँ, काफी टाइम हो चुका है इस वॉच को बट अभी भी ये नई वॉच इसको काफी अच्छी तरीके से टक्कर दे देती है। तो इस वॉच में आपको 1.3 इंच की अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, उसके अलावा इसमें 9 स्पोर्ट्स मोड है। साथ ही साथ वाटर स्टैंड की बात करूँ तो 5 ATM के साथ आती है ये वॉच। वही हेल्थ ट्रैकर की बात करूँ तो इसमें आपको SPO2, हार्ट रेट और BP मॉनिटर जैसे तगड़े फीचर्स भी मिल जाते हैं। बेसिक फीचर्स की बात करूँ तो इसमें म्यूजिक कंट्रोल मिलता है और उसके अलावा फाइंड माई फोन और वेदर का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो अच्छी वॉच है ये, आप इस वॉच को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। ये अभी आपको फ्लिपकार्ट पे थोड़ी महंगी शो होगी लेकिन ईजिली ये वॉच भी आपको 1700-1999 मिल जाती है। बात करते हैं 2nd नंबर स्मार्ट वॉच की जो अभी 1-2 दिन पहले ही लॉन्च हुई है और उसकी मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ। एक तो डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो है और एक कंपैरिजन है डीजो वॉच 2 के साथ। ये वॉच है आपकी बोट वॉच ZENIT। अच्छी वॉच है यार ये, 1.3 इंच की राउंड डिस्प्ले है इस वॉच में और अच्छी है डिस्प्ले इसकी, इंडोर आउटडोर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। साथ ही साथ हेल्थ ट्रैकर की बात करूँ तो इसमें आपको SPO2 और हार्ट रेट भी देखने को मिल जाता है। वही बात करूँ मैं यार इस वॉच के स्पोर्ट्स मोड के बारे में तो 7 स्पोर्ट्स मोड के साथ आती है वॉच और ठीक ठाक एक्यूरेसी दे देती है आपको, स्पोर्ट्स मोड में इतनी खास एक्यूरेसी नहीं देती है। वही बात करूँ मैं वाटर स्टैंड की तो IP67 के साथ आई है ये वॉच। मेरे हिसाब से थोड़ी IP68 हो सकती थी बट कोई नहीं, इस प्राइस रेंज में फिर भी काफी अच्छा जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छा प्रोवाइड करती है वॉच और साथ ही साथ काफी प्रीमियम लुक भी देती है। तो यार 1st नंबर पे जो वॉच है वो है आपकी टैग वर्क प्लस। जी हाँ, अभी ये थोड़ी महंगी शो होगी आपको फ्लिपकार्ट पे बट ये जब लॉन्च हुई थी तो 1999 में लॉन्च हुई थी, बाद में आपको ऑफर में भी इतने की ही मिल जानी है। तो आप टेंशन मत लेना, अभी मत लेना इस वॉच को, जब ऑफर में आए तभी लेना। तो इस वॉच के अंदर आपको 1.69 इंच की तगड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, इंडोर आउटडोर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वही बात करूँ हेल्थ ट्रैकर की तो काफी ज्यादा है इसमें हेल्थ ट्रैकर्स, इसमें आपको SPO2, हार्ट रेट, BP मॉनिटर, बॉडी टेम्परेचर जैसे काफी तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। वही बात करूँ मैं इसके कुछ बेसिक फीचर्स की तो आपको इसमें म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल और वेदर का सपोर्ट भी मिल जाता है। स्पोर्ट्स मोड की बात की जाए तो इसमें आपको काफी ज्यादा स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, 16 स्पोर्ट्स मोड जो कि इस प्राइस रेंज में किसी भी वॉच में नहीं है। ये काफी सही चीज लगी मुझे टैग वर्क की और एक्यूरेसी के मामले में भी काफी अच्छी वॉच है ये। बात करूँ मैं इसके वाटर रेजिस्टेंट की तो IPX8 के साथ आती है ये वॉच। अच्छी वॉच है, आप इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, इसीलिए नंबर 1 पे क्योंकि भर भर के फीचर है इसके प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। बस यार यही थी आज की वीडियो, करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाना। यार मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।